वहीं गरियाबंद जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक अग्रवाल ने बुधवार को जिले के वन विभाग ऑक्सन हॉल से हरी झंडी दिखाकर दिव्यांग रथ का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि दिव्यांग और वरिष्ठ जन मतदान दिवस 26 अप्रैल को टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके मतदान के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस अवसर पर दिव्यांगजनों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में कलेक्टर अग्रवाल ने दिव्यांगजनों को प्रेरित करते हुए शत प्रतिशत मतदान के लिए छत्तीसगढ़ में शपथ भी दिलाई। गरियाबंद से फारूक मेमन की रिपोर्ट। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं और दिव्यांग जन जो मतदाता हैं, इनको क्या क्या सुविधाएं ईसीआई द्वारा दी जा रही है उसके संबंध में जानकारी देने के लिए और मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए आज ऐसे कार्यक्रम किया गया था। हर वो एक वोट महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो दिव्यांग का हो चाहे वरिष्ठ नागरिक का हो, तो सबको वोट करना है, 100% वोट करना है, क्योंकि एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है कि जिले में कि 100% मतदान हो, तो यही संदेश इनको दिया गया है कि 26 तारीख को अपने मतदान केंद्र पर जाएं और उनको जो सुविधाएं प्राप्त दी जा रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उन सुविधाओं का भी उपयोग करें। अलावा ऐसे मतदाता जो 85+ हैं और ऐसे दिव्यांग हैं जो कि मतदान केंद्र में जाके वोट नहीं कर सकते, उनके लिए होम वोटिंग की भी सुविधा है, तो वो हमने आवेदन ले लिया है होम वोटिंग के लिए भी, तो वो भी हम जैसे ही बैलेट पेपर आएगा तो होम वोटिंग भी कराएंगे।